चरम तीर्थ रम्यमासतीर्थ सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानते मिरंधान ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ आज ये बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 27 अप्रैल 2022 दिन बुधवार, विषय कर्म बार और क्लास नंबर 79। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है, आत्मा ज्ञान से भिन्न नहीं है, ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है, ज्ञान है तो आत्मा निश्चित है और आत्मा है तो ज्ञान निश्चित है। जहाँ केवली भगवान का सिद्धांत नहीं है वहाँ असत्य की संभावना है। निबोध की अवस्था में ही केवल ज्ञान व केवल दर्शन सत्ता में पड़े हुए हैं। ये पदार्थ अनंत है इसलिए केवल शब्द की जगह अनंत शब्द लगाया है, जैसे अनंत ज्ञान अनंत दर्शन। निगोद की अवस्था से तुलना करें तो मनुष्य गति में आने पर ज्ञान अनंत गुना बढ़ जाता है, परंतु केवल ज्ञान और केवल दर्शन की तुलना में तो अनंत भागी रहता है। फिर महर्षि ने बताया था, तीर्थंकरों को बिना दीक्षा लिए केवल ज्ञान नहीं होता, मोहिनी कर्म छह किए बिना किसी को केवल ज्ञान व केवल दर्शन नहीं होते। पहले गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थान तक मोहिनी कर्म का ही छह करना है और आठवें अपूर्व करण गुणस्थान से श्रेणी प्रारंभ हो जाती है। फिर महर्षि ने अंतिम में बताया था, हमें बाहर नहीं जाना क्योंकि सब गुण हमारे अंतर में पड़े हुए। इस प्रकार हमने पूर्व क्लास की समरी देखी। अब मैं महर्षि से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जो आत्मा में ज्ञान प्रकट होते हैं, देखिए ज्ञान की जब बात है तो निश्चित हो गया कि ज्ञान तो आत्मा का मूलभूत गुण है। अब ज्ञान कोई बाहर से तो आना नहीं है था, ज्ञान तो आत्मा में ही रहने वाला है। अब ये जो ज्ञान आत्मा में रहने ही वाला है, अब आप ये सोचिए कि इसके अंदर एक तरफ जो है हम ये चार ज्ञान रखते हैं और एक तरफ सिर्फ एक ही रखते। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। अब ये जो क्षायिक भाव से प्रकट होने वाला है, क्षायिक भाव का मतलब क्या हुआ, आप किसको कहेंगे क्षायिक भाव? तो जो आत्मा के ऊपर यहाँ पर जिस प्रकार के जैसे जो कर्म बंधे हुए हैं, अब इन कर्मों के अंदर से हम देखें ये नीचे ज्ञान है और ऊपर ये आवरणीय कर्म है। ये यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से अगर हम इन सब को मानते हैं तो ये जैसे मति ज्ञान है, ये श्रुत ज्ञान है, ये अवधि ज्ञान है, ये मन पर्य ज्ञानावरण्य कर्म, ये केवल ज्ञानावरण्य पांच ज्ञान है। पांचों ज्ञान बरोबर है, यहाँ पर हमने एक विभाग किया समझने के लिए, लेकिन इसके ऊपर भी आवरणीय कर्म है। श्रुत ज्ञान के ऊपर भी ये श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म है, अवधि ज्ञान के ऊपर अवधि ज्ञानावरणीय कर्म है और मन पर्य ज्ञान के ऊपर मन पर्य ज्ञानावरणीय कर्म है,
अब केवल ज्ञान के ऊपर भी जो है ये आवरणीय कर्म है। अब जिस तरह से ये जो कर्म बने हुए हैं ना, अब इन कर्मों के अंदर आप क्या समझेंगे? आखिर ज्ञान कैसे प्रकट होगा? कोई ज्ञान को बाहर से लाना नहीं है, आत्मा में ही है। आत्मा खुद ही ज्ञानमय है, आत्मा खुद ही दर्शनमय है। लेकिन अब जिस आवरणीय कर्म से जो ज्ञान ढका हुआ है, दबा हुआ है, उसको आवरण को ऊपर से घटाएंगे तो ही अंदर से गुण प्रकट होगा। बस बात इतनी सी है। ये हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? जितने प्रमाण में आपने ये मति ज्ञानावरणीय कर्म प्रगत ये आवरण का घटाया प्रमाण, ये देखिए अब ये आवरण आपका इतना कम हुआ है तो इतने प्रतिशत आपका मति ज्ञान बढ़ गया। इधर आपने श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म कितने प्रमाण में घटाया है, ये अगर आपने अपनी तरह से घटाया श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म इतना अगर आपने घटाया तो ये मति ज्ञान प्रकट हुआ, ये श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ। बस इन दो के सहारे हमारा जीवन चल रहा है, इतने से के आधार पर। अवधि ज्ञानावरणीय कर्म हमारा पूरा 100% पूरा कवर्ड है, ढका हुआ है, तो अवधि ज्ञान प्रकट नहीं होगा। मन प्रयोग ज्ञानावरणीय कर्म हमारा 100% पूरा बंधा हुआ है, ढका हुआ है, वो प्रकट नहीं होगा। केवल ज्ञानावरणीय कर्म हमारा जो अंदर है, ये पूरा कर्म आवरणीय कर्म है, सत्ता में पड़ा है, इसलिए अंदर से गुण प्रकट नहीं हो पा रहा है। अब बात इतनी सी है। अब समझ लीजिए आप, इसके अंदर से 100% में से 10% मति ज्ञान, 20% श्रुत ज्ञान, इतने पर हमारा जीवन चल रहा है, इतने के आधार पर। तो ये कौन से क्षायोपशमिक भाव आपने ये इतना जो प्रकट किया है, ये है क्षायोपशमिक भाव। मतलब क्या है क्षायोपशमिक भाव का? हमने जितने प्रमाण में इतने कर्म का आवरण क्षय किया है उतना गुण अंदर प्रकट होगा। मतलब क्या हुआ? मति ज्ञान भी जो मेमोरिकल नॉलेज है वो भी इस समय हमारा 80% ढका हुआ है और 10% 20% हमारा प्रकट है। बस उसी पर हमारा जीवन चल रहा है। इधर आप देखिए श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म, उसने श्रुत ज्ञान को ढका है, तो श्रुत ज्ञान कितना प्रकट है आपका? 10-20% है और 80% कर्म है। ये क्या है? ये क्यों इतने परसेंटेज कम ज्यादा? ये है क्षायोपशमिक भाव। क्षायोपशमिक भाव के अंदर क्या हो रहा है? तो यहां आपको ये ख्याल आ जाएगा कि जो आवरणीय कर्म है, अब इसमें से उस कर्म का प्रमाण कितना है। अब ये कर्म है मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, आप जो कहिए, लेकिन इसके अंदर इतना आपने क्षय किया है ये भाग, और ये इतना ऊपर जो है ढका हुआ है, दबा हुआ है। अब ये आपके प्रतिदिन के जीवन के अंदर ये फ्लेक्सिबल है, इसलिए आप प्रतिदिन अपने जीवन में रोज कितना घटाते हो कितना बढ़ाते हो साहब। अब ये कैसे घटता है कैसे बढ़ता है? आपने राग द्वेष क्लेश कसाय किए, ज्ञानाचार के बजाय ज्ञानातीचार का सेवन किया, ये कर्म फिर बढ़ेगा। आपने स्वाध्याय किया, अभ्यास किया, पढ़ाई की है, सीखा है, सुना है, समझा है, लिखा है, तो आपका आवरणीय कर्म घटेगा, ये कर्म यहां से घटेगा और इसके परसेंटेज बढ़ेंगे, सब ज्ञान के परसेंटेज बढ़ेंगे। आप देख लीजिए ज्ञान के परसेंटेज बढ़ने वाले। इसलिए हमने ये नक्की किया कि जैन जीवन शैली, ये हमारा जो जीवन चल रहा है उसमें प्रतिदिन हमको अपने जीवन में पंचाचार का पालन, ज्ञानाचार का पालन भी मुझे रोज करना ही करना है, तो मैं ज्ञानावरणीय कर्म की निद्रा करूंगा।
मुझे दर्शनाचार का पालन करूंगा तो दर्शनावरणीय कर्म की निद्रा होगी, मुझे चारित्राचार का पालन करना है तो मेरा मोहनीय कर्म घटेगा, मेरा तप, मुझे तपाचार का आचरण करना है तो मेरा अंतराय कर्म घटेगा। आप इसी तरह से एक 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 धर्म के अनुरूप आचरण करते जाएंगे तो जाके एक एक कर्म के कर्म का आवरणीय कर्म क्षय होता जाएगा। जिस गुण के ऊपर जो आवरणीय कर्म है उसी की निद्रा होगी, आपका फोकस उस पर होना चाहिए। समय की आपने समय क्या है, चारित्राचार है, चारित्राचार की समय की आपने मौन पूर्वक की है, स्वाध्याय पूर्वक की है, जाप पूर्वक की है, किस तरह से की है, वो बराबर आपके मोहनीय कर्म की निद्रा कराएगा। नया आश्रय भी रोकेगा और पुरानी निद्रा भी कराएगा, दोनों बात है। ये लक्ष्य हमारा बनना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन कर्म का बंध तो हो ही रहा है ना। इधर देखिए, ये इतना भी जो प्रकट हुआ है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान 10-20%, फिर अगर क्लेश कसाय किए, फिर राग द्वेष किए, फिर वडिलों का अनादर किया, अपमान किया, गाली गलौज की, उनके प्रति जलसी की, इतना जो भी कुछ किया, ये है वो भी बंधेगा, बढ़ेगा, ये कर्म और आपका बढ़ जाएगा। ये कर्म बढ़ेगा ज्ञानाति चार के सेवन से तो ज्ञान दर्शन और घटेगा, बिल्कुल घटेगा, ये ध्यान रखना ही पड़ेगा हमको। तो जीवन के अंदर आत्मा जो है, अब ये कर्म का बंध और कर्म की निजरा, कर्म का बंध और कर्म की निजरा, अब हम क्या कर रहे हैं या कितना, क्या ज्यादा कर रहे हैं क्या कम कर रहे हैं। हम आश्रव ज्यादा करके कर्म बांध रहे हैं ज्यादा, या पंचाचार का पालन करते हुए कर्मों की निजरा ज्यादा कर रहे हैं। तो दो में से एक आपको अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा। सबका जीवन तो अपना अपना, और हम सभी अपना अपना जीवन तो बरोबर जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमारा आचार विचार क्या है, कितना है, क्या हमारे जीवन में प्रतिदिन के जीवन में इतना राग द्वेष, इतना क्लेश कसा है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो फिर कर्म बंद होगा। आपके जीवन व्यवहार के अंदर विनयाचार है कि नहीं है। घर में बेटा उठा तो माँ बाप के चरण स्पर्श किए कि नहीं किए, माता पिता को भी नमस्कार किया कि नहीं किया, वडिल जनों को भी आदर पूर्वक नमस्कार किया कि नहीं किया, ये भी एक नमस्कार की छोटी सी क्रिया भी निद्रा कारक है। पहले इस पर ध्यान दीजिए, हमने संस्कार क्यों डाले, सबने संस्कार डाले हैं तो संस्कार हमारे जीवन में काम के हैं। हम एक परिवार में गए जहां बेटे की उम्र 60 है और माँ की उम्र 80 है, पोते तो है ये, पोते की उम्र है सबके, लेकिन 60 बरस की उम्र का भी उठ करके पहले अपने माता पिता को वंदना करके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर आता है, लेकिन साथ में पोते को पोती को सबको उठा के लेके आता है, चलो भाई साथ में चलो, साथ में करो। ऐसा नहीं है कि वो पोते पोती को सिखा रहे आप करो और वो खुद खड़ा रह जाए, नहीं, वो पहले खुद करते हैं तब साथ में सबको। एक परिवार का माहौल कितना अच्छा है, एक परिवार का वातावरण कितना अच्छा है सब। एक घर के बुजुर्ग जो है, भले 80 के है, 90 के हैं, जो भी है, बैठे हैं घर में, वडिल है, और आकर के छोटे उनके चरण स्पर्श करे, नमस्कार करे, कितना अच्छा लगता है, कितना मन को सुकून लगता है, कितनी शांति लगती है। घर के अंदर पहले ही राग द्वेष क्लेश कसाय का वातावरण ही बदल जाए। कई लोगों के घर में उठते ही राग द्वेष का वातावरण है, क्लेश कसाय का वातावरण है। कई लोगों के घर में जो है धर्म के अच्छे संस्कारों का वातावरण। जिसने संस्कार बनाए हैं, जिस प्रकार के जैसे आपने संस्कार बनाए हैं,
तो घर के संस्कार बनाना तो फिर घर वालों का ही काम है सर, और किसका काम है? नहीं बनाएंगे तो फिर उल्टा चलेगा, उल्टा चलेगा तो और राग द्वेष होंगे, उल्टा चलेगा तो और क्लेश कसाए होंगे। ये हमको सोचना है कि हम क्या बनाएं। इधर आपने क्या देख लिया? चार ज्ञान। ये चार कौन से हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान। ये चारों क्षायोपशमिक भाव वाले। मतलब क्या हुआ? क्षायोपशमिक का मतलब हुआ जितना परसेंटेज इसमें से आवरणीय कर्म घटा है उसमें से ज्ञान उतना प्रकट हुआ है, जितना आवरणीय कर्म नहीं घटा है उतना ढका हुआ है, दबा हुआ है। कल आप ये देखिए कि अवधि ज्ञान अगर किसी को प्रकट हो जाए, अब इतने में अवधि ज्ञान प्रकट हुआ और इतने में मनोपरि ज्ञान प्रकट हुआ। अब जब ये कंडीशन आएगी तब ये जो है ये मनोपरि ज्ञान कौन सा है? ऋजुमति मनोपरि ज्ञान। तो उसका अभी 60% कर्म आवरणीय है और 40% ही उसकी निद्रा हुई है, तो उतने में वो ज्ञान प्रकट जरूर हुआ। इधर आपने ये देखा अवधि ज्ञान, अब ये अवधि ज्ञान इतने में ये प्रकट हुआ है, तो ये कितने परसेंटेज हुआ है? 70% आवरणीय कर्म से ढका है, 30% अवधि ज्ञान प्रकट हुआ। तो 30% वाले को कितना दिखेगा, कितना जानेगा वो? और ऐसा ही सबका आवरणीय कर्म है। तो ये क्षायोपशमिक भाव, इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। रोज अगर आप निर्जरा करते हो तो यहाँ परसेंटेज बढ़ेंगे, फिर अगर नया कर्म बाद लोगो तो अवधि ज्ञान आया और चला भी गया। कईयों को ऐसा हुआ है, किसी के जीवन में अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, 2 साल रहा और बाद में चला। आपने भी सुना ना अभी, प्रतिपाती और अप्रतिपाती, ऐसे ये मान और वर्तमान, ये जो सुने इसका कारण ही है। अब रही बात किसकी? केवल ज्ञान। अब ऐसा जो इनके अंदर परसेंटेज वाइज मति श्रोत अवधि मन प्रेम में होता है, वैसा केवल ज्ञान में नहीं होता है। ये बात है। तो जब भी केवल ज्ञान होगा 100% ही होगा, इसलिए क्षायिक भाव दिए गए। क्षायिक के अंदर ये क्षयोपशम के अंदर, अब इसके अंदर आप दोनों के अंदर देखिए था, ये है क्षायिक, समझेंगे। तो क्षायिक में आपको एक भी कर्म का अंश नहीं दिख रहा है, कोई कर्म का अंश नहीं दिख रहा है। अब 100% होगा सर, जो केवल ज्ञान होगा वो आपके अंदर 100% होने वाला है। ये बात तो 100% होगा। तो ये जो केवल ज्ञान है, अब आप इधर देखना ध्यान से, जैसे ही केवल ज्ञान होगा तो ये आवरणीय कर्म का 100% क्षय होगा। अब ये केवल ज्ञान जितना हो जाएगा तो कितना हुआ? ये 100% वाला मैंने आपको दिखाया, ये क्षायिक भाव वाला है। ये जो 100% क्षायिक भाव का, अब जैसे ये केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो ये सब इसमें समा जाएंगे। इधर देखिए आप, ये जो है अब ये मति ज्ञान गया, अब ये श्रुत ज्ञान भी गया, अब ये अवधि ज्ञान भी गया और ये मनोपरि ज्ञान भी गया। गया मतलब क्या हुआ? हाँ जी बोलिए नरेंद्र जी, गया मतलब क्या हुआ? समाहित हो गया केवल ज्ञान में सब कुछ। हाँ बोलिए अमन जी, क्या हुआ? चारों ज्ञान केवल ज्ञान में ही मिल रहे। हाँ कैसे समझ में आ रहा है? मीना बहन जी बोलिए, व्हाट हैपन हियर यू सी, जस्ट लाइक द सन राइज, व्हेन एवर द सन विल राइज यू सी द लाइट ऑफ द रेज ऑफ द स्टार्स एंड द रेज ऑफ द मून आल्सो इट विल बी इन बॉल मर्ज इन दैट द सनलाइट।
फिर आपको दिन के अंदर धूप के अंदर ये तारों का प्रकाश अलग नहीं दिखाई देगा, मून लाइट का प्रकाश अलग से नहीं दिखाई देगा, इट विल जस्ट मर्ज इन दैट। तो जब केवल ज्ञान हो गया क्षायिक भाव से, तो अब ये तो एक भी नहीं बचेंगे, चारों नहीं बचेंगे। अब आप जो है कुंजल बहन जाकर के सिमंदर स्वामी को आज पहले पूछे कि साहब आपकी मेमोरी कितनी है, चोरडिया जी आप पूछेंगे सिमंदर स्वामी को, भगवान आपकी मेमोरी कितनी है, कम है महाराज, वो तो कम है कि ज्यादा तो है, सर्वज्ञ हमारा। तो जब यहाँ पर केवल ज्ञान हो गया है तो मेमोरी वेमोरी सब उसके ही अंदर आ गई, अब उनको समर्ज हो गया, नहीं रहता है कोई प्रश्न ही नहीं रहता मेमोरी का या किसी का भी, ख्याल आया आपको। तो ये जो विशेषता है, ये विशेषता होने से क्षायिक भाव जो प्रकट हुआ है, अब उसकी बात आ रही है। तो पहले आपको केवल ज्ञान, अब इधर देखिए ध्यान से, तब आपको ख्याल आएगा इधर आत्मा के घर में आप जो भी देख रहे हो, तो उसके अंदर आपको क्या देखा, ये है अंदर केवल ज्ञान है, लेकिन इसके चारों तरफ ये आवरणीय कर्म जो बना है, ये अंदर आपको केवल ज्ञान दिख रहा है, फिर एक दूसरा लेयर ये जो है आपको लग रहा है, फिर ये तीसरा लेयर ये लग रहा है आपको, तो जब तक आपका ये जो कर्म का आवरण है ये है मोहनीय कर्म। अब इधर जो है आप देख रहे हो जितने प्रमाण में है, अब ये मोहनीय कर्म बिल्कुल चारों तरफ आत्मा के अंदर बढ़ा हुआ है, चारों तरफ। अब इधर आप ये देखिए कि इसके भाग आ रहा है आपका ये कर्म, अंतराय कर्म जो है ये, मतलब क्या हुआ कि जब आप साधना करते 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 जब आप आगे बढ़ेंगे, जब साधना करते करते आप आगे बढ़ते बढ़ते ये जब यहां से आप आगे निकल रहे हैं, अब आठवें गुण स्थान पर आए, अब नौवें गुण स्थान पर आए, फिर दसवें गुण स्थान पर आए, अब आप बारहवें पर आओगे, तो यहां से चलते चलते आपने मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियां क्षय की है, मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियां आपने घटाई, ये जो बाहर का आवरण आपको पूरा मोहनीय कर्म का दिख रहा है ये आवरण, अब ये जब तक नहीं घटेगा, ये जब तक नहीं घटेगा वहां तक अंदर से केवल ज्ञान नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए, नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर कैसे करेंगे। अब ये मोहनीय कर्म दिख रहा है, लेकिन ये अंदर की प्रकृतियां देखिए सब, ये अंदर की प्रकृतियां मोहनीय के अंदर की है सब, तो ये कसाय कौन सा है, कितने प्रमाण में है, कौन कौन से राग द्वेष में है आप, किस किस प्रकार के विषय वासना में जी रहे हो, या आप जो है हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा के अंदर आप किस में हो, ये सब मोहनीय की प्रकृतियां आपको दिख रही है सब। यहां तक जो है जब आठवें गुण स्थान पर आपने अपूर्व करण की प्रक्रिया की, अब संकल्प किया है कि ये कर्म क्षय करना ही करना, नौवे गुणस पर आते हुए सीधी बारह कर्म की प्रकृतियां आप पहले यहाँ की क्षय करोगे, ये जो आपको लग रही है वेद मोहनीय है, फिर हास्य रति अरति है, ये सारी कर्म प्रकृतियां हमको क्षय करनी ही पड़ेगी, इसके सिवाय दूसरा कोई विकल्प। ये करते करते एक सूक्ष्म लोभ की एक प्रकृति आ गई लास्ट में यहां तक, तो ये आपने क्या किया अंदर से, ये मोहनीय कर्म की प्रकृतियां घटाई आपने,
अब आ रहा है ख्याल आपको, तो पहले क्या जरूरी है साहब? मोहक क्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतरा क्षयात च केवलम, जो तत्वार्थ सूत्र है वहां उमा स्वाति जी महाराज इस प्रकार का सूत्र देकर समझा रहे हैं। मोहक क्षयात, मोहनीय कर्म का क्षय होना चाहिए, और मोहनीय कर्म का ये क्षय पहले हुआ, यहां तक आपका हुआ, दसवें गुण स्थानक तक आपका ये मोहनीय कर्म पूरा हो गया। अब आप बारहवें गुण स्थान पर ये जो है ये वितरागता प्रकट की, अब ग्यारहवें हमको नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? फिर वापस गिरना हो जाएगा, उपशमन होगा, वो नीचे ग्यारहवें तक जाएगा उपशम भाव वाला। तो सीधे हमने बारहवें गुण स्थान, ये आ गई आपकी वितरागता। अब ये मोहनीय कर्म आपका गया, पूरा गया, सब जाना पूरा चाहिए। शायिक भाव से शत प्रतिशत आपका ये अगर कर्म पूर्ण क्षय होता है तो निश्चित समझ लीजिए। हाँ साहब, और कैसा कैसा होना चाहिए? मैंने बोला ये क्षायिक भाव का होना चाहिए। अब ये क्षायिक भाव का आपका मोहनीय कर्म क्षय हो गया, अब कोई राग द्वेष बचा ही नहीं है, कोई क्लेश कसाय कुछ भी नहीं बचा है, ये सबसे बड़ी बात हो गई। अब आपको नहीं बचा है ना, जब राग द्वेष नहीं बचा है, क्लेश कसाय नहीं बचा है, तो नया कर्म का बंध नहीं होगा, ये फायदा हो गया। सभी प्रकार के कर्म कौन बढ़ा रहा है, कौन बंधा रहा है, बोलिए राहुल भाई, बोलो। मोहनीय कर्म, सभी प्रकार के कर्मों का बढ़ाने का काम राग द्वेष का ही है, क्लेश कसाय का ही काम है, मोहनीय कर्म ही बढ़ा रहा है। अब मोहनीय कर्म से जिस कर्म का बंधन किया वो डिवाइड होकर के आपके सब कर्मों में डिवीजन जो है एनालिसिस करके परसेंटेज में बढ़ जाएगा। तो अब ये बात भी निश्चित हो गई कि दूसरे किसी भी कर्मों को क्षय करना हो तो पहले मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को क्षमा कर घटाना आपका मुख्य धर्म है। इसलिए परमात्मा ने यह सिद्धांत दे दिया, मोहनीय कर्म को क्षय करते 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 आप आगे बढ़ो, यही आपका मुख्य धर्म है। बोलिए, ये आपका मुख्य धर्म बढ़ गया। जैसे पहले गुणस्थान से शुरू करिया, बारहवें तक आना है, तो पहले गुणस्थान से चलते 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 आप कौन सी कर्म प्रकृति कितने प्रमाण में क्षय करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ये आपको समझना है पहले। तो यहां तक क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसके पहले यहां तक जो है वो क्या होता है, इन सब कर्म की प्रकृतियों का हिसाब जो है ये क्षायोपशमिक भाव में, मतलब आप कहां से चल रहे हो इसकी बात हो रही है, पहले से लगा करके। हाँ जी, बोलेंगे आप एलसी जैन साहब, क्या समझ में आया बोलिए। महाराज साहब, आपने कहा है कि पहले गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक क्षयोपशमिक भाव है, उससे हम निर्जरा कर रहे हैं मोहनीय कर्म की। बोलिए नीति बहन, क्या मतलब हुआ इसका? कि पहले से सातवें गुण स्थान तक हम क्षयोपशमिक भाव से अपने कर्मों की निर्जरा करते जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? मोहनीय कर्म की प्रकृतियां घटाते जा रहे हैं। आपने ये नहीं ध्यान दिया सर, बोले राहुल भाई, कैसे स्पष्ट कर सकते हो? पूर्ण रूप से क्षय नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो पहले गुण स्थान से लेकर के सातवें गुण स्थान तक अंश अंश परसेंटेज थोड़े थोड़ा 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 हम कर्म प्रकृति को घटाते हैं, क्षयोपशम हो रहा है, लेकिन 100% पूरा नहीं हो रहा है, बाकी की उपशम भाव में पड़ी रहती है, दबी हुई ढकी हुई पड़ी रहती है। आपने कौन कैसा ड्रेस पहना है? आपका सिर से पैर तक पूरा शरीर ढका है, जैसे वो पूरा बुरखा पहनते ना वैसे, तो वैसे आपने नहीं पहना है,
तो जितने प्रतिशत आपका शरीर ढका है और जितने प्रतिशत आपका खुला है, इसलिए हो गया क्षायोपशमिक तत्व। अब आपने चौथे गुण स्थान पर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसकी भी यही हालत है। ये भी किसकी है? मोनिय की कर्म प्रकृति है, उसमें भी आपने थोड़े परसेंटेज में ही किया। पांचवे गुण स्थान पर आकर के आप श्रावक बन गए, यहां पर भी जिन कर्म प्रकृतियों का क्षयोपशम किया है थोड़े परसेंटेज में ही किया है। छठे गुण स्थान पर आकर साधु बन गए, आपने थोड़े ही कर्म प्रकृतियों का थोड़े प्रमाण में ही क्षयोपशम किया है। सातवें गुण स्थान पर भी आप अप्रमत्त साधु हो, आपने थोड़े परसेंटेज में ही कर्म प्रकृतियों का क्षय किया है, बाकी की अभी ऐसे ही पड़ी है। लेकिन अब जब आप आठवें गुण स्थान से आगे बढ़ोगे तो यहां आपको बिल्कुल डिसीजन लेना है पहले क्षायिक भाव का, तो इसी को कह रहे हैं क्षपक श्रेणी। अब पहले फम डिसीजन क्या हुआ, अब यहां से मैं आगे जो है सब कर्म की प्रकृतियों का 100% 100% पूरा क्षय करूंगा। आ रहा है ख्याल में? अब इसके पहले जिन जिन कर्म प्रकृतियों का क्षयोपशमिक भाव से किया था उन सबको यहां पर लाना है, सबको यहां पर लाना है। अब सबको ला करके पहले आठवें गुण स्थान पर सबका क्षायिक भाव से क्षय करेगा, उसके बाद में वो आगे बढ़ेगा। आगे बात समझ में? बोलिए माता जी कैसे बोलेंगे? साहिब जी, सातवें गुण स्थान तक क्षयोपशमिक भाव से, यानी कि पूरे नहीं हुए, दबे हुए हैं कर्म अभी, लेकिन जब आठवें गुण स्थान पर आना है तो पक्का निश्चय करना है कि क्षायिक भाव से ही सारी कर्म प्रकृतियां खत्म होंगी, तभी क्षपक श्रेणी में हम आगे आरूढ़ हो पाएंगे। देखिए थोड़ा सा समझिए, जब क्षायोपशमिक भाव में है तो थोड़े प्रतिशत में कर्म की निद्रा की है और गुण प्रकट है, लेकिन ज्यादा प्रतिशत आवरणीय कर्म अभी भी मौजूद है जिसके कारण गुण अभी भी ढके हैं। तो 70% 80% 60-40 बोलिए, 70-30 बोलिए, 80-20 बोलिए, 50-50 बोलिए, अब सबके परसेंटेज अलग अलग है। जो जो भी करें साधक करेंगे सबके परसेंटेज अलग अलग। अब इसी में हमारा सम्यक दर्शन भी आ गया, तो सम्यक दर्शन कितना प्रकट है? 30% 40% लेकिन 60% फिर आवरणीय कर्म से मिथ्यात्व मोनिय से ढका हुआ है। तो यहां तक हमने जो जो क्षयोपशम किया है, अब पहले यहां क्षपक श्रेणी प्रारंभ करने के पहले आपका लास्ट एंड लास्ट ऐसा फाइनल फॉर्म डिटर्मिनेशन होगा कि नहीं। आज दिन तक मैंने जितनी क्षयोपशमिक भाव से जो जो कर्म प्रकृति क्षय किया वो मैं क्षायिक भाव से 100% पूरी कर। क्षायिक के अंदर फिर कर्म बाकी नहीं रहता है, पूरा ही नष्ट होता है तभी क्षायिक। साहिब जी क्या ये जरूरी है, मतलब सातवें गुण स्थान तक से पहले क्षायिक में कोई भी कर्म क्षय नहीं हो सकता? हो सकता है करो तो। श्रेणिक महाराज ने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो उन्होंने अनंतानुबंधी कषाय का और साथ में मिथ्यात्व मोनिय का जो पहले क्षय किया था वो क्षयोपशमिक ही था, लेकिन श्रेणिक महाराजा ने क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के बाद जो उन्होंने सम्यक दर्शन के अंदर परमात्मा महावीर के प्रति अपना जो समर्पण के साथ में आत्मा से लेकर मोक्ष तक के सब पदार्थों के प्रति शत क्लियर विजन, एकदम ट्रांसपरेंट क्लियर विजन, ये जो बढ़ाया उन्होंने भाव, तब जाकर के श्रेणिक महाराजा को सम्यक दर्शन भी क्षायिक भाव का प्रकट हो गया। लेकिन फिर भी अभी भी दूसरी कर्म प्रकृतियां तो अभी भी पड़ी हुई है सब। इतना फायदा जरूर हुआ 28 में से 7 प्रकृतियां
मिथ्यात्व मोनीय मिश्र मोनीय सम्यक मोनीय की तीन और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चार, चार और तीन सात का क्षायिक भाव से क्षय कर लिया। अब 28 में से सात गई भाई साहब, 21 तो बची है ना, अभी 21 तो बची है, तो 21 अभी भी जो है उनकी पश्चिमिक भाव जो है लेकर नरक में गए। चोरडिया जी, चोरडिया जी पहले बंद करिए, बाद में बात करिए। तो यहाँ क्या हुआ कि आज भाई आज कहाँ है वो, नरक में तो है ही, पहले नरक में है जी। लेकिन ये सात प्रकृति क्षय हो गई है। अब जो क्षायिक भाव से क्षय हो गई तो दोबारा नहीं आएगी, वापस तो नहीं आएगी सब, कोई चिंता ही नहीं करनी है आपको। तो ये हमको समझ में आ गया। लेकिन अब उनको जो है जब भी आएंगे ना श्रेणिक महाराजा, अब नरक में से निकल करके तो आएंगे, 84,000 वर्ष का आयुष्य वो पूर्ण होने पर जैसे आएंगे तो ये क्षायिक सम्यक तो अभी भी साथ में है, साथ में लेकर आएंगे। अब यहां आने के बाद वो भी 30 बरस की उम्र में दीक्षा लेंगे, वो भी साधना करेंगे, तब ये पहले जो यहां से जो क्षायो पश्चिमी करेंगे, फिर वो आकर के सीधे क्षपक श्रेणी शुरू करेंगे। क्षपक श्रेणी शुरू करने का मतलब क्या होता है, अब सब कर्मों का क्षायिक भाव से ही क्षय करना है। तो जिन जिन कर्म की प्रकृतियां को अभी पड़ी हुई है, अभी कौन सी है, यहाँ पर संज्वलन क्रोध मान माया लोभ है, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा है, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद वेद मोहनीय कर्म पड़ा हुआ है सत्ता में, अभी श्रेणिक महाराजा का जीव नरक में है तो वहां पर भी सेक्सुअल डिजायर का कर्म तो पड़ा है, स्टॉक में पड़ा है। जब आएंगे यहां पर जन्म लेंगे, फिर वापिस बड़े होंगे, राजा के पुत्र राजकुमार होंगे, उनकी शादी होगी, तब उनका भी ये कर्म तो काम करेगा ना जो पड़ा है स्टॉक में। लेकिन भगवान छोड़ करके दीक्षा लेंगे, सब कुछ त्याग करके दीक्षा लेंगे और फिर अपनी आत्म साधना करने में लग जाएंगे, तब पहला निर्णय करेंगे अब मुझे क्षपक श्रेणी पर ही आगे बढ़ना है। बस एक बार जो है एक फाइनल संकल्प कर ले और मैं ऐसे क्षायिक भाव से ही करूंगा। अब वो करते करते जो बची है वो जितनी, तो यहाँ की पहले की जो क्षायो पश्चिमिक वाली वो यहाँ पर ला करके आपको पहले क्षपक श्रेणी में पहले क्षायिक भाव से कर लेनी पड़ेगी, बाद में ये 12 कर्म प्रकृतियां 9वें गुणस्थान पर करनी है। 12 में कौन सी आ गई, संज्वलन क्रोध मान माया 3 आ गई, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा 6 आ गई, 6 और 3 9 और वेद की 3 9 और 3 12 कंपल्सरी, मतलब श्रेणिक महाराजा कोई नहीं, महावीर स्वामी को भी 12 ही करनी पड़ी। जब क्षायिक भाव से करोगे तो इसी कल हम भी करेंगे तो हमको भी इसी तरह से करनी पड़ेगी। फिर वहां धीरे 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 एक 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 ऐसा नहीं चलता है, जो चलेगा तो इसी हिसाब से चलेगा। एक सूक्ष्म लोभ की रहेगी वो 10वें पर क्षय कर देगा, खेल खत्म। 28 कर्म प्रकृतियां मोहनीय की सब हिसाब पूरा होगा, तब सीधे आत्मा में वितरागता का गुण प्रकट हो जाए। अब वितरागी बन गए तो पहला फायदा क्या हुआ, अब राग द्वेष तो चले गए, अब राग द्वेष नहीं होंगे, क्लेश का साय नहीं होंगे, नहीं होंगे तो नया कर्म नहीं बंधेगा। यह फायदा कितना बड़ा है, अब नया कोई कर्म ही नहीं बने। लेकिन इधर जो है क्षपक श्रेणी अभी चालू ही है, तो एक बार वितरागी बन गए, अब यहां से 13वें गुणस्थान पर आते आते अब उनको क्या करना है, अब पहले यहां पर आते आते अभी उनको जो है यहां से निकले, तो ये सेकेंड राउंड कौन सा है, अंतराय, हाँ अंतराय कर्म, हाँ वेरी गुड, ये अंतराय कर्म का है। अब ये धीरे धीरे जाए साहब, ये इसकी भी 5 प्रकृतियां हैं, ये पूरी तरह से अब जो जाएगा क्षायिक भाव से जाएगा, ध्यान रखना। अब ये जो है पूरा जाएगा क्षायिक भाव होने से, मतलब फायदा क्या हुआ, ये पूरी तरह से गया, ये क्या गुण प्रकट हुआ, अनंत वीर्य गुण प्रकट हो गया।
दो कर्म गए, मोनिय भी गया, अंतराय भी गया। आठ कर्मों में सबसे ज्यादा परेशान करने वाले यही तो दो मुख्य थे। अब तीसरा लेयर यहां पर क्या है ये आपको देखना है। तीसरा लेयर जो है यहां पर है, ये केवल दर्शन है और फिर ये केवल ज्ञान का है। तो ये लेयर यहां से हटाना है। यहां से चलते हुए तीसरे के अंदर से ये पहले उनको ये करना है। अब ये प्रकट, ये क्षय हो रहा है क्षय के भाव से। ये देखिए ना, ये क्षय के भाव से गया, ये केवल दर्शन हो गया। और फिर जो है अंदर से ये चला जाएगा, अब क्या होगा आपको, केवल ज्ञान हो जाएगा सा। तो ये आप जो देख रहे हैं ये चारों इस तरह से, अब कोई कर्म नहीं बचा इधर, इन चार विभाग में एक भी नहीं है। तुम जाकर के ये यहां पर जो है ये केवल ज्ञान ही केवल दर्शन ही साथ में बने। वितरागी पहले बन चुके हैं, अब वितरागता का गुण आगे प्लस में साथ में ही आएगा सब। तब जाकर के अब क्या हुआ, केवल ज्ञान केवल दर्शन बन गया। अब ये बिल्कुल जो है एकदम ट्रांसपेरेंट की तरह से खुला सामने आ गया। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये आपका केवल ज्ञान, इसके साथ में ये केवल दर्शन, अब ये बिल्कुल जो है सूर्य प्रकाश की किरणों की तरह से एकदम प्रकट रूप में फैलता हुआ। जैसे मान लो कि सूर्य का उदय हुआ और सूर्य की किरणें फैलने लग गई चारों तरफ, जो है ये आपका केवल ज्ञान केवल दर्शन एकदम प्रकट। जैसे सूर्य का उदय आपने देखा है सनराइज, सूर्य उदय होते ही चारों तरफ कैसे प्रकाश फैल जाता है, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट होने से चारों तरफ है। अब आपको व्यक्तिगत महावीर स्वामी को वहां जाने की जरूरत नहीं है, सिमंदर स्वामी को वहां से भरत क्षेत्र में आने की जरूरत नहीं है, वहां बैठे हुए अभी हमको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। अरुण विजय बैठा है पढ़ा रहा है, सामने ये बैठे हैं ये पढ़ रहे हैं, ये लिख रहे हैं ये देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं ये समझ रहे हैं, तो ये साथ में चलने वाला है सब। अब आपको ये ख्याल आ गया कि अगर इस तरह से ही प्रक्रिया है, अब आपने क्या ध्यान से समझा, ये परमानेंट सिस्टम है। साथ में ये भी समझिए, परमानेंट सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ, आदेश्वर भगवान को भी इसी तरह के से, सिमंदर स्वामी को भी इसी रास्ते से, महावीर स्वामी को भी इसी तरह से, गौतम स्वामी को इसी रास्ते से, या चंदन बालाजी मृगावती जी साध्वी जी थे उनको भी इसी रास्ते, मतलब तरीका यही रहेगा, नो चेंज एट ऑल, अंश मात्र भी कुछ भी नहीं बदलेगा। यहाँ 12 प्रकृति जाएगी कर्म की, वही 12 इसकी एक जाएगी, सबकी एक ही होगी। इधर आपकी कितनी होगी, कितनी क्षय पश्चिमिक भाव की, कितनी क्षायिक भाव, मतलब मेथड जो है पूरी सेम एज इट इज एज इट इज चलेगी, और ये सबके लिए कॉमन रूप से चलेगी, इसीलिए इसको परमानेंट कहते हैं। त्रिकाल नित्य शाश्वत रूप से जब भी कभी किसी को होगा, इसीलिए हम आज पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, भाई कल हमको भी तो होगा ना, आज नहीं तो कल भविष्य में कभी ना कभी जब हमको भी होगा तो मेथड ये पढ़ी हुई सीखी हुई आपके काम आएगी। करना है जिसको भी करना है, आज आपको यहां बैठे केवल ज्ञान की मेहनत नहीं करनी है, मोहनीय कर्म क्षय करने की मेहनत करनी है। आगे बात समझ में, मोहनीय कर्म क्षय करने की मेहनत करनी है, रिजल्ट आएगा केवल ज्ञान का वो बात अलग है, लेकिन पहले आपकी मेहनत ये रहेगी तो होगा, आगे नहीं तो नहीं होगा। संसार है यही तो चल रहे राग द्वेष के, इसलिए महावीर स्वामी ने क्या कह दिया, पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक आपको सिर्फ एक ही कर्म का क्षय करना है, एक ही कर्म का, मोनी कर्म का, और वही धर्म है। अब आप ये बोलो मैं 24 घंटे पुस्तक लेकर पढ़ने बैठ जाऊं तो मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा, जी नहीं, ऐसे नहीं।
आप समझ रहे हैं, मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना है, तो मुझे तो ज्ञान की आराधना, ज्ञान की उपासना, ज्ञान। अरे भाई साहब, ज्ञान आपकी बात सही है, लेकिन ये ज्ञान आपका मोहनीय कर्म के आवरण से दबा हुआ, ढका हुआ पड़ा है। तो ये इसको तो हमें पहले प्रकट करना पड़ेगा। और सारा धर्म लाकर महावीर ने उसी पर आधार रख दिया है, बस पूरा धर्म इस पर है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? पूरा धर्म मतलब क्या? सामायिक क्या है? सामायिक मोहनीय कर्म की प्रकृति को क्षय करने का धर्म। आमिल उपवास किस लिए है? मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का क्षय उपशम करने के लिए। अब प्रतिक्रमण किस लिए है? वंदना किस लिए है? पौषध किस लिए है? माला का जाप, सारी चीजें। आप धर्म के प्रकार कोई भी लो, धर्म का प्रकार आप जोड़ सकते हो, लेकिन रिजल्ट तो यही आएगा। जब तक पहले वितरागता प्रकट नहीं होगी, वहां तक आपको आगे केवल ज्ञान दर्शन प्रकट नहीं होगा। मोहनीय कर्म का क्षय नहीं होगा तो आगे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो लोग क्लेश कसाय करते हैं वो पहले समझ ले, बहुत ज्यादा क्लेश कसाय, बहुत ज्यादा राग द्वेष, इतनी कलुषितता, वो और ज्यादा मोहनीय कर्म बढ़ा रहे हैं। और कसायों की लंबी लंबी दीर्घ टाइम लिमिट की स्थितियां होती है, किसी को निमित्त बनाकर, किसी को कारणीभूत निमित्त बनाकर इतने भारी क्लेश कसाय करते जाना, कितने जन्मों के कर्म यहां बैठे बन जाएंगे, भविष्य के कितने जन्मों तक जो है आप इतने लंबे कर्म बांधोगे। 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, 40 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, 50 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, 60 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, इतना तो कोई आयुष्य होता ही नहीं है कभी किसी का। ये बाकी के दूसरे कर्म जो है, ये मोहनीय कर्म इतने बढ़ गए। अब मोहनीय कर्म जिसका जितना ज्यादा बढ़ेगा तो उसका ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म वो भी उतने ही उस हिसाब से ज्यादा बढ़ते जाएंगे, लंबे 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 काल स्थिति के बढ़ते जाएंगे। उतने काल तक हमारे सैकड़ों हजारों लाखों जन्म हो जाएंगे, और उतने लाखों जन्मों तक वो कर्म बरोबर सिर पर उदय में आता रहेगा, उदय में चलता रहेगा, वही परिस्थिति आपकी बढ़ती जाएगी। अब कैसे करेंगे? बांधने में भी मोहनीय कर्म सबसे पहले है, और क्षय करने में भी आपको मोहनीय कर्म का ही सर्वप्रथम क्षय करना है, और काफी ज्यादा प्रमाण में क्षय करना है, नहीं तो ज्ञान दर्शन आदि नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जब ये कसाय मोहनीय जब बढ़ जाता है, तब आपके मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को भी धक्का पहुंचाता है, तब मेमोरी लॉस भी होती है, क्या है, ब्रेन स्ट्रोक भी आते हैं आपको, और फिर आपकी याददाश्त कम होती है, बुद्धि कमजोर होती है, और फिर बुद्धि काम नहीं करती है, और फिर स्वभाव खराब होता है, चिड़चिड़ापन आता है, क्लेश कसाय होता है, बार बार होता रहता है, फिर कब बचेंगे इसमें से, कैसे बचेंगे? इसलिए आप धर्म भले कम करो, लेकिन कसाय राग द्वेष ज्यादा मत करो। ये संकल्प बनाइए साहब, मैं प्रतिदिन अपनी तरह से ये संकल्प रखूं उठते और सोते, मुझे राग द्वेष नहीं बढ़ाना है, मुझे क्लेश कसाय नहीं बढ़ाना है, हर हालत में मुझे राग द्वेष घटाने ही घटाने, हर हालत में मुझे क्लेश कसाय कम करना ही करना है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं आमिर उपास कर रहा हूं या जो भी धर्म कर रहा हूं, सामायिक प्रतिक्रमण का धर्म, अरे जो भी कर रहा हूं, प्रकार आपके हाथ में, तरीका आप सोचिए, लेकिन राग द्वेष नहीं करने हैं, क्लेश कसाय नहीं करना है, ये घटाना है, ये लक्ष्य आपका जब रहेगा तो फिर जीवन में रिजल्ट आएगा सब। जिन लोगों के जीवन में ये लक्ष्य ही नहीं है, कई लोग ऐसे दुनिया में राग द्वेष प्रवृत्ति करके ही दिन गुजारते हैं, वो दिन ही गुजारते हैं उस तरीके से, उनका रोज का प्रतिदिन का हो गया है, वो राग द्वेष करके क्लेश कसाय नहीं करेंगे, वहां तक उनको चैन नहीं पड़ती, उनको खाया हुआ भी नहीं पचता है सबके साथ, क्योंकि जो लेश्या एक प्रकार बाद में ऐसी बन चुकी है, तो फिर वो लेश्या तो आपकी बदलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी।
अब ये केवल ज्ञान केवल दर्शन इसको द्रव्य से क्षेत्र से काल से भाव से अब इसका प्रमाण ये कितना है ये बढ़ता कितना है ऐसा मैं आज यहाँ पर कर्म की क्लास के अंदर इस ज्ञानावरणीय कर्म का हिसाब पूरा करता हूँ। चलो एक विषय तो पूरा हो जाए कम से कम और फिर हम जो है आगे दर्शनावरणीय कर्म है उसका विभाग जो बचा हुआ है उसको लेता हूँ थोड़ा सा वो भी कर्मों का हिसाब पूरा हो जाएगा बाद में आगे के तीसरा कर्म आ जाएंगे अलग अलग कर्म का विभाग ले लेते हैं। अभी सभी आठ ही तो कर्म है आठ कर्मों के ऊपर कितना टाइम लगेगा लेकिन इन कर्मों को सॉलिड रूप से आप पहले ही अच्छी तरह से पहचानते जाइए तो ही होगा। बोलिए आचार्य जी। हाँ जी महाराज साहब जो वो एक सूक्ष्म लोभ रहता है दसवें गुण स्थान में वो क्या रहेगा एक एग्जांपल बता सकते हो महाराज साहब? आप भाई साहब मेरे को बहुत गर्मी लग रही है मुझे खिड़की के पास बैठूं मुझे हवा लगे अब क्या करना बोलिए साहब। मैं थोड़ा ये भी करूं कि लोग मुझे आकर के जाप करते हुए देखे तो सही मैं थोड़ा ऐसा करूं कि मेरा भी नाम तो कुछ हो। अब ये किसी भी प्रकार में किसी भी तरीके का हो सकता है हल्का सा सूक्ष्म है मतलब क्या है छोटा सा। अब क्या थोड़ा जाप करके बैठना है तो शरीर को थोड़ी हवा तो चाहिए ना साहब क्या करेंगे तो चलो 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 ऐसा करके थोड़ा लोभ प्रलोभन ला करके हम कैसे भी करके कहीं ना कोई नामना के लिए अरे मैंने इतना किया तो मेरा नाम तो होना चाहिए कि नहीं साहब मैंने तो इतना किया नाम तो उनका हो रहा है काम तो मैं कर रहा हूँ नाम तो उनका हो रहा है अपने नाम का भी लोभ बना रहता है। ये सारे मतलब सबके हिसाब से अलग अलग प्रकार का होता है लेकिन अब किसके लाइफ में कौन सा प्रकार कौन सा ज्यादा रहता है वो सब रहने वाला है बहुत होता है। हाँ जी चोरडिया जी बोलिए। हम महाशय अपनी क्या डे टू डे लाइफ में राग देश को मतलब आप संसारी मतलब क्या है कि ग्रस्त जीवन है तो इसमें आप थोड़ा सा और समझाएं कि राग देश की ये वृत्ति आप कम कीजिए। ग्रस्त जीवन जरूर है संसारी जीवन जरूर लेकिन संसार में राग द्वेष ज्यादा करके भाव बढ़ाना है क्या ये नहीं तो कर लो पहले। संसारी होने का मतलब हमको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है गृहस्थ श्रमिक ग्रस्त जीवन होने का मतलब अधिकार नहीं मिल रहा है कि आप तो करते ही जाओ आप तो राग द्वेष करते ही जाओ आप तो क्लेश कसाय करते ही जाओ आपको कर्म मंद होगा ही नहीं आप तो वहां जाओ महावीर में तो सिमंदर स्वामी को बोल देना महावीर स्वामी आप मेरे को बोल रहे हो लेकिन अनिवार्य है मेरे को तो चलता ही नहीं था उसके बिना आप घर में क्या करूँ बेटा है पोता है पत्नी है बहू है भाई है बहन है ये है वो है ये आप नहीं 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 मेरे को तो नहीं चलता है मेरे को करना ही पड़ता है। अरे भाई साहब अब ये आप निमित्त निकाल कर करते ही जाओगे ठीक है आपने किया तो क्या कर्म आपका सगा होगा कर्म बंद नहीं होगा इतने लंबे टाइम की कर्म प्रकृति नहीं बंधेगी। अरे पहले बंधेगी ये तो गृहस्थ होने का मतलब ये नहीं है श्रावक होने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरी छूट है कोई छूट नहीं है ऐसा जितना करेंगे उतने कर्म उतना कर्म बंधेगा जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बंधेगा तीव्रता जितनी ज्यादा रहेगी उसमें टाइम लिमिट लंबी रहेगी मंदता रहेगी टाइम लिमिट कम रहेगी। संकल्पबद्ध होकर के जीवन जिए हाँ साहब मुझे राग द्वेष नहीं करना है नहीं करना है तो ये क्या है कि अंदर क्या ब्रेन के अंदर एक आपकी जो है अलार्म सेट होती है जब जब निमित्त आते हैं तब अलिप्त रहकर बच करके अलग निकलने का प्रयास कर सकते हैं ये बात होनी चाहिए जहां तक हो सके वहां तक मैं कैसे अवॉइड करूं कैसे उसे टालूं ये मानसिकता अंदर से तैयार हो जाए ना वो बड़ी बात है। बोलिए प्रवीण जी। हाँ जी ये सातवें गुण स्थान तक पश्चिमिक रहेगा उसके बाद सपक्ष रहेगा या साइमल्टेनियसली दोनों चलते रहते हैं? नहीं 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 दोनों फिर आठवें गुण स्थान की बात तो क्षपक श्रेणी कोई भी करो किसी को भी करो अगर वो क्षपक नहीं करेगा तो उपशम वाली करेगा उपशम वाली करेगा तो थोड़ा दबाएगा तो फिर उछलेगा वो स्प्रिंग की तरह से। अगर कोई एक्सेप्शनल केस है श्रेणी महाराज जैसे तो वो तो चौथे गुण स्थान से ही जो है कर सकते हैं क्षायिक भाव से कोई ना नहीं है किसी को लेकिन 90% लोग आठवें से कर रहे हैं चौथे से इतना जल्दी सबको नहीं होता है ये तो श्रेणी महाराज तो रेयर केस है
अब क्या छपक क्षणी, अरे क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त तो कर लिया, लेकिन रहना तो घर संसार में है ना, अभी दीक्षा तो नहीं ली है श्रेणी राजा ने, तो कैसे जीवन जिएंगे घर संसार में, कितनी बड़ी समस्या आएगी। लेकिन उतना ही किया है सात कर्म प्रकृति का, इसलिए सम्यक दर्शन तक ही वो अपने घर संसार में छोटे मोटे क्लेश कसाय से तो जीवन चला लेते हैं। बोलिए राहुल जी। और ग्यारहवा गुणस्थान का क्या वर्किंग रहेगा? उपशम, उपशम वाले के लिए, जब उपशम वाले चलेंगे ना आठवें से, तो वो ग्यारहवें पर जाकर के गिर जाएंगे, क्योंकि वो दबा दबाया दबा दबाया कर्म है, स्प्रिंग वाला है तो उछलेगा ना वापिस, दबाया हुआ तो स्प्रिंग तो उछलेगी ना, तो वहां पे वो आगे नहीं जा सकता है। उपशम वाले को एंड आ गया, बस ग्यारहवें जाकर गिरो वापिस, फिर आकर के एक शपथ श्रेणी करेंगे तब जाएंगे, नहीं तो आगे फिर वितरकता केवल ज्ञान ये सब नहीं हो सकते है ना, उसके लिए तो कर्म प्रकृति क्षय करनी ही पड़ेगी। राहुल भाई बोलिए। साहिब जी, सबसे पहले मोनिय कर्म, फिर अंतराय कर्म, और फिर थर्ड राउंड में कौन सा था? केवल दर्शनावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, और फिर केवल ज्ञानावरणीय। अच्छा साहिब जी, एक आपने एक क्लास में बताया था कि कोई भी गुण पूर्ण रूप से ढकते नहीं है, अंश मात्र भी वो खुले रहते हैं, तो फिर ये केवल ज्ञान ये पूरा ढक जाता है? नहीं नहीं, सभी खुले रहे, अंश तो खुला ही रहेगा ना सबका, वितरकता का भी अंश खुला रहेगा, और ये अनंत वीर्य का भी अंश खुला रहेगा, एक भी कर्म जो है, एक भी गुण संपूर्ण शत प्रतिशत नहीं ढकेंगे, ये आत्मा की अवस्था निगोद में है। केवल ज्ञान भी थोड़ा अंश मात्र खुला रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सभी खुले रहेंगे। प्रीति बहन जी बोलिए। महाराज साहब, अगर ट्वेल्थ में जो वितरकता जो प्राप्त होती है, उसके बाद क्या करते हैं, लाइक आराधना करते हैं या ध्यान ज्यादा करते हैं, फिर मिलता है केवल ज्ञान केवल दर्शन? वितरकता होने के बाद ओनली विद इन 22 घड़ी, बस दो घड़ी तक केवल ज्ञान होना ही होना है, तो उनका मेडिटेशन चालू रहता है। ओके ओके। हाँ जी मनीषा बेन बोलिए। मथेन वंदना में महाराज साहब, महाराज साहब मुझे बहुत अच्छा आया समझ में, लेकिन थोड़ा सा मोह में और कर्तव्य में थोड़ा डिफरेंशिएट बता दीजिए। नहीं नहीं, मोह नहीं है, कर्म है, मोह तो है ही जिसमें लोभ मोह है वो सब, लेकिन अब आपको कर्तव्य तो पालन करना ही है ना, आप एक माँ है, आप एक पत्नी है, तो जो भी कर्म कर्तव्य है वो तो आपको पालन करना है, लेकिन वो बिना राग द्वेष के हम कैसे कर सकते हैं ये देखना है, विशेषता इस बात की है बस, और कुछ नहीं। कैसे कर सकते हैं महाराज जी, थोड़ा सा समझा दीजिए। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तभी आपको ख्याल आएगा, क्या सासू ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, तो चलो भाई साहब उनके सामने प्रतिकार न करते हुए, क्लेश का सहन न करते हुए, हाँ जी हाँ जी मैं कर रहा हूँ, बरोबर कर रहा हूँ, ठीक है, ये करके आप शांति से चला लो। अब क्या करेंगे, सास तो बोलेगी ना कभी भी, पति भी बोलेंगे, बेटे भी बोलेंगे, दूसरे भी बोलेंगे, क्या करेंगे, लेकिन उसमें से बाहर निकलो, क्लेश कसाय में से बदलना है, बाहर निकलना है साहब। आज कई कई लोग क्या करते हैं, जानबूझकर के आक्षेप वाली भाषा बोलते हैं, जानबूझकर आरोप डालने वाली भाषा बोलेंगे, कई लोग क्या करते हैं आपके मुंह से उगलवाने के लिए वो जानबूझकर के आक्षेप आरोप वाली उल्टी भाषा डालेंगे, ताकि उनका लक्ष्य रहता है कि हम जैसे उल्टा बोलेंगे तो सीधा तो निकलेगा इनके मुंह से। हमको लोगों को पहचानना पड़ता है, कोई हमारे ऊपर कुछ भी आक्षेप डाल दे, कैसा भी आक्षेप डाल दे, हमको अपना दिमाग ठिकाने रखना है, क्या लाएगे, किसी ने बोल दिया, किसी ने मार्जी का, हमें अपने, हमने अगर गलत काम किया नहीं महाराज जी, तो हमें डिफेंड नहीं करना चाहिए? नहीं किया तो करिए, बरोबर है ना, लेकिन डिफेंड करने के लिए भी राग द्वेष करेंगे तो फिर कर्म तो बंद होगा, करने का तरीका बदलिए, बड़े मिठास से, बड़े प्यार से, बड़े हल्के से, अच्छी तरह से आप कर देंगे तो बिना राग द्वेष के भी तो काम हो सकता है ना, बात तो इतनी है और कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। हाँ जी नीति बहन बोली। जी महाराज सर, एक आपने जो बताया कि नौवें गुण स्थान में 12 प्रकृतियों का नाश करते हैं,
तो उसमें संजुलन की तीन कैसे हुई, संजुलन की चार होंगी ना, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, लोभ हट गया। लोभ के लिए दसवें पर बाकी रख दो। ओ अच्छा, लोभ संजुलन क्रोध मान तीन आ गए इसमें, एक लोभ के एंड एक ऐसे सोच रही थी हमारे से, जैसे अगर हम कर्म क्षय कर रहे हैं तो हमें खुद को पता चलता है कि हम शायक क्षमिक भाव से कर रहे हैं या कि शायक भाव से कर रहे हैं। बिल्कुल चलेगा, आप बरोबर कंसंट्रेशन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हमने देखिए कोई झगड़ा हो रहा था और सास ने कहा और मैं चुप तो रह गई, लेकिन अंदर तो घुल रहा है। मैं घुल करके दूसरे रूम में चली गई, मैंने रूम बंद कर दिया, बाथरूम बंद कर दिया, मैं अंदर 2 घंटे छिप के बैठी। तो आप 2 घंटे मेडिटेशन में थे क्या? आप 2 घंटे में वही विचार, सास ने ये शब्द क्यों बोला, ऐसा क्यों सुनाया, ऐसा क्यों कहा? तो अंदर जो घुलना दिख रहे है ना, तो वो आपका अभी कर्म बंद हो रहा है। ये इतनी हमारे में वितरागता अभी आती नहीं है ना सब, लेकिन लक्ष्य लेकर के बनाएंगे तो जरूर आएगी। अजी इला बेन जी बोलिए। महाराज जी, महावीर भगवान को सम्यक दर्शन सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने अनेक जन्म लिए। 27 तो बड़े बड़े हमारे पास है, मैंने कहीं सुना था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, छोटे छोटे भी कई हुए। तो एक बार सम्यक्त्व बांध देते हैं उसके बाद भी इतने मल्टीपल जन्म कैसे? जैसे अभी सैनिक महाराज का है, नर्क में है, उन्होंने सम्यक्त्व तो बांधा है और आने वाले भव में तीर्थंकर भगवान का उन्होंने गोत्र बांधा है, नाम गोत्र बांधा है। तो फिर उनके कैन द जन्म मरण चक्कर कैन बी इंक्रीज? हाँ जी, देखिए ये है मोहनीय कर्म। कितनी प्रकृति है इसकी? 28। 28 में से यहाँ से जब ग्रंथि भेद करके आगे बढ़ना है तब वो कितनी करेगा? ये देखिए, ये पहले गुणस्थान, ये चौथा, तो यहाँ से निकल करके इधर तक आने में ये ग्रंथि है। अब ये ग्रंथि भेद होते ही ये 7 कर्म की प्रकृतियां जाएगी। अगर क्षायिक में गई तो नहीं, तो दबेगी, तो दबेगी तो 28 तो है ही ऐसा। 28 में ये 21 आपकी जो है ये 21 रहेगी 100%, और इसमें से जो माइनस हमने 7 की है ये 7 रहेगी आपकी जो है 70%, किसी की 60%। अब ये 7 कम करके ये जीव भाई साहब यहाँ आए और सम्यक दर्शन ये क्षायोपशमिक प्राप्त किया है। महावीर स्वामी ने क्षायिक सम्यक तो प्राप्त नहीं किया था। अच्छा, तो यहाँ तक भी अगर आप सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान पर पहुंच गए हो, अब आपकी 28 की 28 प्रकृतियां चौथे गुणस्थान पर सम्यक दर्शन के साथ स्टॉक में पड़ी है, 28 में से 21 जो है 100% है, ये 7 आपकी 70% है। अब यहाँ से आप आगे निकले, आगे निकल करके 5वें गुणस्थान पर आए तो सेम 5वें गुणस्थान पर भी 28 की 28 पड़ी है, ये 21 आपकी 100% है या 95 हो गई, ये समझ लो। ये 7 जो है ये 60 हो गई, लेकिन है तो सही साहब यहाँ पर। तो भव तो बढ़ेंगे ना, कसाई तो करना ही है, कम ज्यादा कर रहे इतना ही फर्क है, संसार तो बढ़ेगा। अब यहाँ आ गए 6ठे से 7वें गुणस्थान पर आ गए, 6ठे गुणस्थान पर आ गए, 7वें गुणस्थान पर आ गए, अभी तक मोहनीय कर्म की एक भी प्रकृति का क्षायिक भाव से क्षय हमने नहीं किया है। 7वें 6ठे गुणस्थान पर दीक्षा लेकर साधु बन गए, साधु बन गए तो ये 21 कर्म की प्रकृतियां मान लो 90 में से इन्होंने 80 कर ले, और ये 7 कर्म की प्रकृतियों को मान लो 50% कर ले, तो यहां पर भी 28 कर्म प्रकृतियां दीक्षा लेने के बाद साधु जीवन में भी है, ये 80% है, ये 50%। तो ये तो संसार बढ़ाएगी, ये तो और बढ़ाएगी। और महावीर स्वामी का तो यही गलती हो गई साहब,
सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया लेकिन मरीचि के जन्म में चला गया तो ये जो सात खुल गई थी ये भी गई वापिस, फिर इनकी 28 की 28 ही रही है सब। इसलिए अब यहाँ आने के बाद ये कौन सा आठवां गुणस्थान आने के बाद अब लक्ष्य बनाएंगे क्षायिक भाव का। 28 की 28 सब जो है वो यहाँ आठवें गुणस्थान पर ला करके अब उसमें से ये सात, ये चार, ये चार, ये सब जो है पहले कितनी गई है यहाँ तक 15, 28 में से 15 ही तो कम की थी, कितने परसेंटेज की थी वो वापिस यहाँ ला करके क्षायिक भाव की करेंगे। तो पहले ये 15 आपको यहाँ ला करके क्षायिक भाव की कर लेनी है, इधर फिर आपकी 12 आएगी, फिर ये वापिस जुड़ेगी समझेंगे, तब जा करके धीरे धीरे आपका भाव घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा सब। दूसरा क्वेश्चन ये था, मनीषा जी ने जैसे अभी बताया घर में क्लेश वगैरह का, तो दूसरा अक्सर हम लोग देखते हैं कि सास बहू का होता है, तो कोई कोई सास जो होती है बहुत ही शालीन और अच्छी होती है, और बहू जो होती है बिकॉज शी इज यंग एंड वॉट एवर उसकी तीव्रता बहुत होती है, और हम अक्सर देखते हैं कि कोशिश करते हैं कि जो पॉजिटिव है उनको थोड़ा मदद रूप हो, उनके साथ स्टैंड करें। तो अगर इस तरह के जब क्लेश कसाय किसी दो लोगों के बीच में चल रहा हो, अगर आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति को हेल्प करते हैं तो क्या आप ही तो उनके शिकार बनते हैं ना कर्मों के, उनके साथ बनेंगे तो सही। अब सास बहू तो एक नाम निमित्त फेमस हो गया है, बाकी तो सब जगह चलती है साहब, भाई बहन के बीच में चल रही है, भाई बहन के बीच में चल रही है, बाप बेटे के बीच में चल रही है, हमारे यहाँ गुरु शिष्य के बीच में चल रही है, साधु जीवन में भी है, ये क्या करेंगे, अब यही तो चल रहा है ना। महावीर ने कहा अनंता अनंत जन्म ये राग द्वेष करते करते हम आए, अब आज भी अगर नहीं घटाएंगे लक्ष्य नहीं बनाएगा तो फिर अगले और